आजा बेटा आजा 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 सीट मिल गई। भाई साहब आपकी सीट कहाँ है? ये बात ये पूरा एसी हमने बुक किया हुआ। उठिए उठिए जनरल ही जाते हम लोग। हटिए 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 भैया लेडीज है साथ में। वाह वाह देख ली फिर नहीं आज तेरी माँ ने मुझे दिन दिखाई दिया। मतलब एसी में चलने वाला आदमी भाई साहब आज ये जनरल में भी सफर कर रहा है। इसके बाप की एक साल से तबीयत खराब है। अचानक मर गया। मतलब घर से आदमी जाता है कहीं तो बता के जाता है लेकिन दुनिया छोड़ के चला गया आदमी बता ना सका। और वहां पे उसको लेने के लिए चार आदमी कंधे देने के लिए तैयार है लेकिन मुझे लेने के लिए एक आदमी नहीं आएगा। मैं ये बैग खुद से उठा के जाऊंगा। ये तो इज्जत है। मेरा सिंपल सा कहना है जहां पे इज्जत नहीं वहां जाना ही क्यों। और ये कोई ट्रेन है कोई टिकट है? बाथरूम में चैन में मग्गा डाल के रखा है। हम मग्गे चुराने वाले दिखते आपकी सीट का तो हरिया आप देख नहीं लो फैमिली है यहाँ पे। भाई साहब लेटने का समय हो गया। उठिए शाम के 4 बज रहे हैं सोने का समय। जाइए आज ये आखिरी बार है। अब दोबारा मैं अपनी बेइज्जती कराने तेरे कभी तेरे मायके नहीं जाऊंगा। चाय चाय गरम चाय। एक चाय वाले थोड़ा कुनकुना जहर मिलेगा? जहर दे दे मुझको क्योंकि इतनी बेइज्जती मुझसे सही ना जा रही। मैं भाई साहब हूँ बिल्कुल सीधा सिंपल और शरीफ घर का लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि ऐसे चोरों और ऐसे कुत्तों के घर मैंने रिश्ता जोड़ लिया। इस औरत से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। और ये आखिरी बार है। अब तेरा बाप मर गया ना अब रिश्ता भी मर गया। मुझे ना रखना भैया ऐसे लोगों से रिश्ता। और तू यहाँ क्यों खड़ा है? निकल नहीं चाय भाई।